अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। कल 31 दिसंबर था और आज 1 जनवरी है। तो कल हम गए थे किजलाई में। पहले हम गए अंका मॉल में, जाके हमने खाना वगैरह खाया। न्यू ईयर हमने किजलाई में गुजारा, क्योंकि वहाँ पे कोई फायरवर्क नहीं हुआ, कोई ऐसा मेन इवेंट होता है ना न्यू ईयर का, मेन इवेंट ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। हर कोई अपने आप में लगा हुआ था और हम ज़रा लेट हो गए थे। तो अब हमारी आज सुबह 1 बजे आँख खुली है, नाश्ता किए, अब हम जा रहे हैं बिम में। वहाँ जाके हम ज़रा चिकन लेंगे और बिरयानी बनाएंगे। आज हम भी ज़रा न्यू ईयर इन्जॉय कर लें। और आज अंकरा में इतनी ठंड नहीं है, तकरीबन 6 सेंटीग्रेड है और बादल हैं। आज आसमान साफ नहीं है, धूप नहीं निकली। आज ये आ गया है बिम, जिससे हमें चिकन लेना है और बिरयानी का सामान लेना था। प्याज यहाँ पे 1.5 रुपये किलो है और A11 में यही प्याज 2.5 रुपये किलो है। A11 में यही टमाटर 7 लीरा के थे और यहाँ पर यही टमाटर 5 लीरा के मिल रहे हैं। बिम में आलू महंगे हैं, क्योंकि A11 में आलू मिल जाते हैं 2.5 रुपये के और यहाँ लगे हैं 5 लीरा के। आपने अगर यहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह पकड़नी है ना, तो पहले आपने ये ग्लव पहनना है। ग्लव पहनने के बाद आपने यहाँ शापर लेना है और फिर ये पकड़ना है। अदरक है, अदरक यहाँ पे 45 लीरा का किलो है, क्योंकि पाकिस्तान में भी महंगा मिलता है अदरक और यहाँ पे भी महंगा ही है। ये दही है 750 ग्राम और 750 का। मैंने ये शॉपिंग कर ली है, अब हम घर जाके पकाएंगे। और फिर चिकन ठंडा जी। अब हम A11 जा रहे हैं, क्योंकि बिम में आलू महंगे थे और धनिया वहाँ पे था ही नहीं, तो हमने धनिया लेना था। तो हमने सोचा चलो आलू भी हम A11 से ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सस्ते होते हैं। हम आ गए हैं A11 में, यहाँ से हम आलू लेंगे। हमारे साथ धोखा हो गया, आलू यहाँ पर भी 5 के लगे हुए हैं। अब ये धनिया लग गया, हम यहाँ से धनिया पकड़ेंगे। तो मिर्चें भी लेनी थी, मिर्चें भूल गए थे हम। ये वाली मिर्चें लेंगे, ये थोड़ी कड़वी भी होती हैं। चिकन यहाँ पे पूरा का पूरा मिलता है, इसकी खुद बोटियाँ करनी होती हैं और ये खाल भी नहीं काटते। मैं अभी बिरयानी बनाने लगा हूँ और इनके अभी नाश्ते हो रहे हैं। अभी रोटी बना रहा है, ये रोटी बेल रहा है और अहमद खड़ा होके रोटी सेक रहा है। ये आमलेट का सामान है, ये अंडा है, ये आटा। ये गोश्त की बोटियाँ कर ली हैं, गोश्त धो लिया है और इन दोनों ने नाश्ता कर लिया है। अब ये मसाला बना रहे हैं और ये दोनों अभी उठे हैं, इनका नाश्ता भी होना है। ये मसाला हमज़ा और अहमद ने काटा है और वो दोनों अभी नाश्ता कर रहे हैं, उनका नाश्ता हो गया है। अब चावल उबाल के रख दिए मैंने, ये चावल उबाल लिए हैं, माशाल्लाह चावल ज़्यादा उबल गए हैं। और अब इसमें हम मसाले डालें, मसाला बनाएंगे। मैं प्याज डाल दिए हैं, अब प्याज गलने का इंतज़ार करेंगे। आज ठंड इतनी नहीं है, लेकिन बादल हैं और उम्मीद है कि अगले हफ्ते से दोबारा बर्फ़बारी शुरू हो जाए। अब इसमें आलू डाल दिए और थोड़ा पानी डाल दिया, आलू गलने का इंतजार करेंगे अब, और साथ में इसमें फिर चिकन डाल देंगे। मसाला रेडी हो गया है, बस ये मसाला निकाल देना है, दम पे लगा देना है चावलों के दरमियान में रख के। जी मसाला बन गया है, अब हम चावल लगाएंगे पहले, फिर उसके ऊपर मसाला लगाएंगे, फिर चावल, फिर मसाला, तह लगाएंगे, उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। अभी इसे हमने दम पे लगा दिया है और ये देखें हमारी भी लाइट चली गई है, और सिर्फ हमारी नहीं पूरे सब की गई है। अच्छा जी, ये भी दिन आने थे यहाँ पे, बिरयानी तो बन गई है, दम पे चूल्हा बंद कर दिया, फिर हमने सफाई करना शुरू की थी और लाइट चली गई है। इसको कर दो, ये साफ है यहाँ से, ताकि यही है, बोलो यही है, बोलो। अच्छा लग रहा है और ये अंदर मॉप लग रहा है। बिरयानी बन गई है, दम से इसे उतार दिया है और अब इसे हम हिलाएंगे। ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है और लाइट अभी तक नहीं आई। ये दस्तरखान सज गया हमारा। चलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।